अदानी ग्रुप ने क्यों बैंड किया 34,900 करोड़ का प्रोजेक्ट बैंड। अदानी ग्रुप को लगातार लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, अब जब उनके शेयर्स दिन ब दिन गिर रहे हैं। पिछले महीने अदानी ग्रुप का मार्केट कैप अपने पीक लेवल से कुछ 71% गिर चुका था। थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर किया है इस महीने, लेकिन फिर भी सिचुएशन काफी गंभीर है। वेस तो इंडिया का यह बिगेस्ट बिजनेस कंग्लोमरेट दिखा तो रहा है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है और हम कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक न्यूज जो आ रहा है वो किसी रेड अलर्ट से कम नहीं। तो क्या अदानी ग्रुप अपना 34,900 करोड़ का ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट सैकमाई सस्पेंड करने जा रहा है? न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से अदानी ने फिलहाल के लिए अपना 1 मिलियन टन पर एनम ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट साइड माई करने का सोचा है और आईली ग्रुप ने ऑलरेडी अपने सभी सप्लायर और वेंडर को मेल भी भेज दिया है कि वो जल्द से जल्द सभी एक्टिविटी बैंड कर दें। यह रिपोर्ट के आते हाई एज एक्सपेक्टेड अदानी के शेयर्स गिरने लगे, जिसके बाद ग्रुप ने क्लैरिफाई किया कि यह प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोजर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पेंडिंग है। इफ्लैट यह प्रोजेक्ट की फाइल वाहन से सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं, लेकिन अदानी ग्रुप का कहना है कि वो काफी होपफुल है कि एगल 6 महीनों में इस प्रोजेक्ट का क्लोजर उन्हें मिल जाएगा, जिसके बाद वो प्योज और शोर माई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी को अब आया फंडिंग इश्यूज। फंडिंग डिले के वजह से इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दिया गया। वेस तो अदानी ग्रुप हमेशा से हाई कहती आई है कि हमारे बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब लग रहा है कि अदानी ग्रुप को आगे जाके फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना पड़ सकता है, जिसके वजह से रिपल इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है और बिजनेस के साथ साथ और भी काफी चीजें अफेक्ट हो सकती है JSSA की शेयर प्राइसेस। बिसाइड्स अदानी ग्रुप ऐप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भरोसे बैठे हैं, लेकिन अभी तो हम सब जानते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब खुद हाई क्राइसिस के तूफान से गुजर रहे हैं। एक हाफ्ट माई US के दो टॉप बैंक बैंड हो गए, SVB और सिग्नेचर बैंक। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का 166 ईयर ओल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैंक क्रेडिट स्वीस को भी अपना शटर बैंड करना पड़ा। ऐसे माहौल में जब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने आप को सेफ रखने की कोशिश में है, यह कहना मुश्किल है कि अदानी को उनका रिक्वायर्ड अमाउंट मिलेगा भी या नहीं। वेस तो अदानी ने हमेशा हाई हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को डिनाई किया है, लेकिन अगर आगे जाके कुछ भी इशू आया तो न सिर्फ अदानी ग्रुप बल्कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फंस की जो इन्हीं फंडिंग करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को इसका आफ्टर इफेक्ट देखना पड़ेगा, जो अच्छा दृश्य बिल्कुल भी नहीं होगा। रीसेंट इवेंट्स को देखते हुए इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी बैड बिजनेस एम्पायर हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर हाई अंडर कितना खोखला हो रहा है कहा नहीं जा सकता, जब तक कि पूरा पिक्चर क्लियर ना हो। किससे पता था वो SVB बैंक जो प्राउड टू बी ऑन फोर्ब्स अमेरिकाज बेस्ट बैंक ट्वीट कर रहा था, वो इतना बुरी तरह लिक्विडिटी क्राइसिस में था। किससे पता था कि एक हाई दिन माई US का 16th लार्जेस्ट बैंक बैंक रन वाले सिचुएशन में आकर बैंड ही हो जाएगा, या फिर स्कैंडल करप्शन स्कैंशन ब्रीचेस और पास्ट मिसकॉन्डक्ट 166 ईयर ओल्ड बैंक को हाई खत्म कर देगा। आईली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप बाद बिजनेस में आईया बड़े बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उनको पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद हाई इन्वेस्ट करें। करंट सिचुएशन वर्ल्ड वाइड काफी डाइसी चल रहा है और ऐसे माय अपने आप को फाइनेंशियली बचाके रखने माय हाई समझदारी है, फिर चाहे उसके लिए टाइम बीइंग वर्स्ट केस सिनेरियो हाई क्यों ना सोचना पड़े।